सिखारे से शादी कर लिया, जो फिटनेस हेल्थ का ट्रेनर है उनसे शादी कर लिया। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, ये शादी हुआ है 10 जनवरी 2024 में और ये शादी उदयपुर में हुआ है और ईसाई समारोह में ये शादी हुआ है। जी हाँ मेरे मसीही भाई बहनों, और ईसाई रीति रिवाज से ईरा खान की बेटी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता को जानकर स्वीकार किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और इस प्रकार आमिर खान भी वहाँ पर अपनी बेटी की बेल जो होते हैं, बेल जो लगाते हैं बालों पर, उस बेल को सजाते हुए आमिर खान रोते हुए नजर आए। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, ये बहुत ही सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत ही खुशी की बात है कि एक मुस्लिम धर्म से निकलकर क्रिश्चियन धर्म में यानी प्रभु में आ गए। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी और बहुत बॉलीवुड भी इस चीज़ को देख कर काफ़ी खुश हुए कि हाँ चलो कम से कम कोई तो किसी भी लोगों का घर तो बस रहा है। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए इस सब शादी की समारोह में और देखकर बहुत ही खुशी महसूस हुआ। और बहुत ऐसे कट्टरवादित हिंदुत्व लोग जो हैं, जो नफरत फैलाते हैं, वो उसके मुंह पर बहुत बड़ी एक तमाचा लगा कि हाँ कोई भी अपना धर्म में, अपना मन के मुताबिक किसी भी धर्म में शादी कर सकता है, किसी को रोक नहीं सकता है। मेरे मसीह भाइयों, यहाँ पर जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं, सच में ये वीडियो क्लिप बहुत ही अहम वीडियो क्लिप है और बहुत ऐसी वीडियो क्लिप पे मतलब यूनिक वीडियो क्लिप है, ऐसे कम ही मिलते हैं। कोई बॉलीवुड वो भी ऊंचे लेवल सितारे के लेवल पे पहुंचे हुए एक क्रिश्चियन धर्म में शादी करते हैं। मेरे मसीह भाइयों, एक वाक्य और मैं बताना चाहता हूँ। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव ने भी क्रिश्चियन धर्म में लड़की से शादी किया। इस तरह से एक दूसरे का भाईचारा को दिखाते हुए नजर आता है कि और वो जो लालू पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जो इस समय तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री के पद पर है, उन्होंने भी यीशु मसीह को भी अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और चर्चों में जाना शुरू किया। मेरे मसीह भाइयों, इस चीज को देखकर लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा मतलब मैसेज जाता है कि सच में यहोवा परमेश्वर जो इस समय काम किया है बहुत ही यूनिक काम किया है कि बहुत लोग जो है जो यीशु मसीह में नहीं है, यीशु मसीह को जान ना पा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को जान कर भी अनजान में बैठे हुए, वो भी यीशु मसीह को जानने की भी कोशिश करें कि आखिर यीशु है कौन। यीशु मसीह के नाम से ईरा खान जो है बैप्टिज्म लेकर शादी किया है और इस तरह से शादी कर नुपुर नाम के व्यक्ति है जो प्रभु में है, जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, उनसे शादी की है। मेरे मसीह भाइयों, और यहाँ पे काफी परिवार भावुक होते हुए, आमिर खान का परिवार भावुक होते हुए दिखाई दिए कि सच में हमारा बेटी जो है वहाँ पर एक क्रिश्चियन धर्म में शादी कर रही है और बहुत ही अच्छा खुशी महसूस हुआ, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखे हैं। मेरे मसीह भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत सारी आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आमेन। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो आप सब? बढ़िया हो? आई होप सब आप बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और सुनाओ, ठीक ठाक बढ़िया हो? हाँ सर, मैंने भी ये वीडियो बना रहा था, जहाँ पर हिमाचल में आया था। बहुत ही यहाँ पे सर्दी है, सर्दी का मौसम है जहाँ पर। देखिए कैसे मैं तो ये थोड़ी सी शेविंग करवा के आया था, दाढ़ी की सेटिंग करवाई थी और बहुत सर्दी लग रही है। ये ऊपर मैं पतंग उड़ाने लड़का उड़ा रहा था, मैं इससे मिलाता हूँ आपको। हेलो, आ जाए इंट्रोडक्शन करा दे यूट्यूब में आपको। हेलो गाइस, आप अच्छी होंगे भाई?
हेलो गाइस, आप अच्छे होंगे। कृपया करके हमारी वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो प्लीज़। हमारी वीडियो को 3 से 4 बार देख लो प्लीज़। हमारा चैनल बहुत डाउन जा रहा है। थैंक यू फॉर वीडियो। हेलो, ये लड़का है जी, थोड़ा सा फास्ट बोलता है, जहाँ पर वीडियो को बोल रहा है कि शेयर कमेंट वगैरह कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। बढ़िया सारा कुछ इसीलिए बोल रहा है जी, वीडियो को बोल रहा है कि हमारे अच्छे व्यू आ जाएं। हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है इसने, लड़के ने, एप्रिशिएट जाता है। जब मेरा चैनल मोनेटाइजर हो जाएगा, इसको थोड़ा एप्रिशिएट जाएगा। ये चैनल में मेरी बहुत मदद की थी इसने भी, और काफ़ी कुछ हम दोनों ने, जहाँ वीडियो स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल भी इसी लड़के ने मेरे में खुलवाया था, बोल रहा था कि खोल लो ऐसे, बाद में हम लोगों ने करते रहा। और ये देखो, बहुत ही यहाँ पर मौसम अच्छा है यार, तू ये पतंग उड़ा रहा है लड़का, और बहुत ही यहाँ पर अच्छा व्यू है। यहाँ पर मैं छत दिखाता हूँ, जहाँ की लोग ऐसे रहते हैं, जहाँ हिमाचल में, हम तो थोड़े पंजाब के रहने वाले हैं, यहाँ हिमाचल में आया हूँ। जो देखिए कैसे कैसे, फोड़ दो, वीडियो रोक लो एक मिनट।